तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में, मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी नो लाइसेंस रिक्वायर्ड वेपन, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। तो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं और बहुत कुछ है उसके नीचे, बहुत सारे कमेंट हैं। आप लोगों ने वो वीडियो बहुत पसंद किया, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा और एक चैनल है जिसका नाम है माउंटेन एंड लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग, तो उसमें मैं ट्रैकिंग, कैंपिंग और अपना जो भी करता हूँ वो थोड़ा बहुत डालता हूँ मैं उसमें वीडियो। तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को भी मौका मिलेगा। अभी सर्दियाँ आनी शुरू होगी तो यहाँ पे लॉकडाउन है, अब थोड़ा सा लॉकडाउन भी खुल गया है, लोग आने लग गए हैं, टूरिस्ट आने लग गए हैं, तो आप लोगों को भी मेरे साथ ट्रैकिंग और कैंपिंग करने का मौका मिलेगा। मैं बहुत करता हूँ इन पहाड़ों में, आप देख रहे होंगे चारों तरफ पहाड़े पहाड़ हैं, बस इस टॉप में जाना है, रोड है, और रोड पर गाड़ी खड़ी की और ऊपर पहाड़ में जाना है। मेरे पास सारा सेटअप है, आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे पास सारी व्यवस्था है, हमारे पास गेस्ट हाउस भी है, तो हम आप लोगों को यहाँ पे घुमाएंगे, दिखाएंगे आसपास। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हर कोई आज के डेट में चाहता है कि उसके पास एक लाइसेंसी वेपन हो और वो अपनी सेफ्टी चाहता है, वो कहीं भी जाता है तो आज के डेट में अनसेफ फील करता है। तो सेफ रहने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ तो साथ में चाहिए ही होता है। तो कई कोशिश करने के बाद भी, बहुत सारे लोगों को कई बार अप्लाई करने के बाद भी लाइसेंस इशू नहीं हो पाता है, उनको लाइसेंस नहीं मिल पाता है। बहुत सारे कारण रहते हैं ये, क्योंकि ये हर किसी को लाइसेंस आज के डेट में नहीं मिल पाता है, उसके लिए बहुत बड़ा कारण चाहिए होता है और बहुत अच्छा रीज़न चाहिए होता है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना होगा कि मैंने लाइसेंस कैसे बनाया और आप लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपको लाइसेंस कैसे मिल सकता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में जानना होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट करके नीचे बता देना मेरे को, मैं लगभग सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, मैं जवाब किसी के नहीं दे पाता हूँ, बहुत कम मैं जवाब दे पाता हूँ, जो मेरे को खास लगते हैं उसी का मैं जवाब देता हूँ, बाकी मैं कमेंट सभी लोगों का पढ़ता हूँ। तो ऐसा हम ना सोचें आपकी मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूँ, आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो हर कोई चाहता है कि उसको लाइसेंस मिले, तो मेरा पिछले वीडियो का कहने का मतलब ये नहीं था कि आपको बिना लाइसेंस का गन मिल जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो जिसको ख़रीदने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, जिसको अभी सरकार ने, जिसको ऐसे वेपन हैं जो ईयर गन हैं जो 20 जोल से कम का पावर जनरेट करते हैं, चाहे वो पिस्टल में हो, किसी में हो, दिखते तो असली हैं पर वो होते हैं बस खिलौना टाइप के, उसके लिए कोई गन की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको उसको रखने में कोई आर्म्स एक्ट नहीं लगता है और बिना लाइसेंस का ही वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। पर यह है कि इंडिया में उसको बेचने वाला बहुत ज़्यादा पैसे, क्योंकि बाहर से आता है तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो आप लोगों को मैं जो मेरे द्वारा सही दुकान का एड्रेस या सही वेबसाइट का एड्रेस जो भी मैं आप लोगों को दूंगा, तो वहीं से आप लोग ये ख़रीदें ताकि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो मेरे पीछे बहुत सारे मैंने कमेंट देखे थे जिस पे नीचे अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, जिन लोगों को चाहिए वो यहाँ से ख़रीदें करके, ऐसा कुछ कमेंट था। तो बहुत लोगों के साथ फ्रॉड भी हो चुका होगा और बहुत लोगों के साथ हो भी चुका है, तो क्योंकि बताया था, कई फ़ोन भी आए थे कि ऐसा ऐसा हो रहा करके, तो ये बहुत गलत बात है। तो वहाँ पे आप उन पे भरोसा नहीं मत कीजिए, यहाँ पे मेरा 35,000 का परिवार हो गया, मैं आप लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, तो मैं आपको अच्छा गाइड करूँगा आप लोगों को, तो आपको कहाँ से ख़रीदना है और बेस्ट प्राइस में आप लोगों को कहाँ से मिल सकता है, ये ही मैं आप लोगों को बताऊँगा और बेस्ट चीज़ ही मैं आप लोगों को बताऊँगा। बस इतना ही बताना था आप लोगों को। और मैंने जैसे कि नो लाइसेंसी रिक्वायर्ड वेपन में ये 1x1 करके डाला है जो हमारे पास अवेलेबल थे, और कई इसमें बिक भी गए हैं, कई पीछे से स्टॉक आते रहता है, अभी लॉकडाउन है उसके वजह से थोड़ा काम मंदा चल रहा है, तो अभी और नए मॉडल आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालते रहूँगा। बाकी मैं टीवी वाला जो मैंने डाला था वो भी मैं जल्दी ही वीडियो शूट करने वाला हूँ, ज़्यादा दूर का तो नहीं करूँगा, 400 मीटर 500 मीटर तक मैं उसको शूट करूँगा, जो राइफ़ल की इफ़ेक्टिव रेंज है जो कंपनी बताती है 400 मीटर, तो उसी के हिसाब से मैं उसको शूट करूँगा। तो देखते हैं उसमें क्या रिज़ल्ट आता है, आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा मैं इसीलिए, और नई वीडियो मैं बनाते रहूँगा। अभी गांव में हूँ मैं, तो मेरे पास एक ही वही वेपन है और कोई दूसरा वेपन नहीं है। अब मैं जब भी चंडीगढ़ जाऊँगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेपन आए हैं, बहुत सारे ऐसे एयर राइफल आए हैं, उनकी मैं वीडियो आप लोगों को डाल दूँगा और उनको कहाँ से ख़रीद सकते हैं और क्या प्राइस रहेगा वो बेस्ट प्राइस में मैं आप लोगों को बता दूँगा।
तो अभी फिर हाल के लिए बस इतना ही आप लोगों को बताना था। तो आप फ्रॉड से बचिए, और कोई चाहता है अपनी सेफ्टी तो आपको बिना लाइसेंस का ये CO2 पिस्टल ये सारा कुछ मिल जाएगा। ये भी 400-500 फीट पर सेकंड के हिसाब से चलते हैं। जो ये CO2 पिस्टल होते हैं ये भी अच्छे खासे पावर के होते हैं, और हालांकि 20 जोल से ऊपर के नहीं होते हैं। जो एयर राइफल होते हैं वो 20 जोल्स तक के पावर करते हैं। जैसे अभी PX-100 है वो 20 जोल्स की है, तो ये अच्छी मार करती है इस। तो यार दोस्तों, जो मेरा नॉन लाइसेंसी रिक्वायर्ड वेपन वाला वीडियो है उसके नीचे लगभग जितने भी कमेंट हैं मैंने सारे पढ़े हैं, तो मैं एक एक का जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं गांव में हूँ तो यहाँ पे नेट नुट नहीं चलता है और नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों का जैसे भी नेटवर्क में आऊँगा तो एक एक करके सबका जवाब दे दूँगा, और आप लोगों को अच्छे प्राइस में कहाँ पे आप लोगों को नो लाइसेंसी वेपन मिलेगा ये सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को दे दूँगा। वैसे मैंने बहुत सारे डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप लोगों को पता ही होगा। बाकी शॉप का एड्रेस भी दे रखा है, जो मेरे द्वारा दिया गया है शॉप का एड्रेस है, वो आप लोगों को बिल्कुल सेफ रहेगा, आपका पैसा कोई आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, तो आपको सही चीज़ आपको सही रेट पे मिलेगा। तो जो बेस्ट चीज़ है इंडिया में और बेस्ट प्राइस है वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपको जल्दी से जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।